ये चेक करो गाइस, भाई क्या व्यू रख के कुछ बोलने लायक नहीं है, जो सामने आकर देखेगा उनको ही पता चलेगा। ओ, ओ, ओ भाई साहब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो हर दिन की तरह चलता है एक मास्टर ब्लॉग बनने के लिए, और आज मेरा साइकिल का ब्रेक को इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं। तो एक्चुअली कल हुआ था बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा रिसेंट वीडियो को जाके चेक कर लो। और फिर चलो निकलते हैं और ज्यादा से बात करेंगे आप लोगों के साथ, तब में रहो और चलो निकल। तो फाइनली गाइस निकल के आज का ब्लॉग बनाने के लिए, और आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके बारिश भी गिर रहा है, मतलब बहुत देर से बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, तो अभी थोड़ा बहुत कम चुके हैं, तो इसलिए हम लोग निकल गए इधर से। और क्या करेंगे, आज बारिश में राइड होगा गाइस, तो देखते हैं अगर ज्यादा बारिश आएगा तो कुछ गलत सीन हो जाएगा। कोई बात नहीं, बारिश हो या फिर जो भी हो, राइड तो रेगुलर होगा गाइस। तो चलो निकलते हैं अभी इधर से। और आज ना एक दिक्कत हो रहा है, मतलब थोड़ी देर बाद ही मेरे को कैमरा का लेंस को मतलब क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश वगैरह गिर रहा है, आज ज़्यादा भगा भी नहीं सकते। ओए भगाना मत, ठीक है। बाजार का हालात भी खराब हो रखा है बारिश की वजह से गाइस। और एक्चुअली हम लोग अभी इधर पे जाएंगे, और जो आज का ब्रेक वगैरह इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ पहले। एक्चुअली गाइस कल हुआ था हम लोग का राइड पे बहुत ही बड़ा एक क्रैश, मतलब क्रैश बताओ तो मतलब मेरा कुछ नहीं हुआ, साइकिल का भी कुछ नहीं हुआ, और साइकिल का ब्रेक जो है वो फुल्ली टूट चुका था, और इसके वजह से आज इसको इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा। तो करेंगे एक जगह पर जाने के बाद। ये चेक करो, बारिश की वजह से इतना खतरनाक रोड हो रखा है ना, इधर पे अगर भगाऊंगा साइकिल को भाई कुछ गलत सीन हो जाएगा। स्लीपी रोड है भाई, धीरे जाना धीरे जाना। ओ भाई 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 क्या भाई, बोलते बोलते भाई फुल्ली स्लीपी रोड रख के हम लोग देख ही सकते हो वैसे इधर पे। और जिन जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा जाके चेक कर लो वैसे इधर पे। और वैसे का इसका आज जो है ना, मतलब बहुत ही खतरनाक सा भाई एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि भाई मतलब मैं जब स्टॉप ही मारा ना, मतलब मेरा ब्रेक जो है अचानक से टूट चुका था। अगर तब मतलब वहाँ पर जाम हो जाता है एमके भाई की साइकिल के ब्रेक की तरह, तो कहाँ पर जाके मैं गिरता भाई, कुछ ठीक ठिकाना नहीं था वैसे। और ये वाला काम मेरे को आज बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान दिला रहा है, मतलब इधर बाद ही कैमरा को क्लीन करना पड़ रहा है, मतलब कैमरा का लेंस को। और आप लोग इधर पे क्लाइमेट चेक करो, मतलब और भी आएगा मेरे को ज़्यादा जितना लगता है बारिश। और वैसे गाइस चलो इधर से थोड़ा बहुत भगाते इधर से, क्योंकि रोड वगैरह ठीक है इधर से, और बारिश भी कम है, आप लोग देख ही सकते हो इधर पे। ओ ओ, ओ भाई साहब, ठीक है। क्या भाई क्या था भाई इधर पे, मतलब ठीक यार, अभी कुछ गलत चीन हो जाता भाई इधर से। ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, इतना ज़्यादा स्लिप मारा भाई, मैं तो सोचा नहीं था इधर पे इतना स्लिप रोड होगा। मतलब भाई आज धीरे जाना भाई, बारिश में गाइस राइड करने में ये वाला दिक्कत होता है, क्योंकि स्लीपी रोड हो रखता है एक्चुअली गाइस। चलो अभी इधर से निकलते, जिधर से अच्छा रोड मिलेगा इधर से निकल जाऊँगा मैं तो, क्योंकि टायर वगैरह को गंदा करने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे कैसे आप लोग ने देखा था अभी लोगों का रिएक्शन कितना खतरनाक सा आ रहा है, मतलब इधर पे रोड खराब था इसके लिए हम लोग नागिन की तरह निकल चुके इधर से, और लोगों का रिएक्शन भी खतरनाक आया। मिल गया भाई हाईवे मिल गया इधर से। हाँ गैस अभी जाके थोड़ा बहुत अच्छा रोड मिला हम लोगों को। फाइनली गैस हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर, और आप लोग देख सकते हो इधर से वो इधर बहुत ही खतरनाक से हो रखे है। आज जो है रनिंग पे स्टैंड वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि रोड फुल स्लिप हो रखे है, तो रिस्क नहीं लेने का। आप लोग ने देखा होगा शायद वहाँ पर स्लिप कर दिया था साइकिल, दो तीन बार स्लिप किया और बंदा गिरा नहीं ठीक ठाक है। अगर गिरता तो भाई वहाँ पर मतलब कीचड़ पे कुछ गलत सीन हो जाता है वैसे। और हम लोग अभी जा रहे हैं इधर से, जाने के बाद ब्रेक वगैरह को इंस्टॉलेशन वगैरह कराऊंगा, और इसके बाद स्टैंड वगैरह करके चेक भी करूंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह हुआ। तो क्लाइमेट फुल्ली खतरनाक तो रखे, मतलब फुल्ली क्लाउडी। ये चेक करो गाइस, मतलब उधर से चेक करो क्लाउड को, भाई क्या व्यू रखे कुछ बोलने लायक नहीं है, जो सामने आकर देखेगा उनको ही पता चलेगा वैसे। वैसे रोकते हैं एक अच्छा जगह पर, और फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरफ की जगह पे, और इधर पे आके रोक चुके हैं। एक्चुअली बारिश की वजह से हम लोग इधर नहीं जा रहे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग को दिखाता हूँ मैं। और वैसे गाइस आप लोग इधर पे चेक करो, ये वाला इंस्टॉलेशन हो चुका है, मतलब ब्रेक सामने वाला। इसी नहीं है कि मैं मतलब ये जो है काल हुआ था ये वाला घटना, और एक्चुअली ये जो हुआ था मतलब मैं टॉपी मार रहा था राइट पे, तो तभी ये टूट गया अचानक से। तो मेरा तो कुछ नहीं है, साइकिल का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, पर इधर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मतलब ब्रेक टूटना एक बहुत ज़्यादा नुकसान है भाई, क्योंकि ब्रेक के बिना राइड करोगे तो मतलब फुल रिस्क हो जाते हैं, क्योंकि इधर पे हाईवे वगैरह है ना, तो गड्डी वगैरह आते हैं, इसके लिए फुल रिस्क वगैरह हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने मतलब इमरजेंसी डेविल से खोला इसको, इसके बाद एम के भाई और मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए राइड करते टाइम। और वैसे गाइस अभी इधर पे रोके, तो इसको जो टेस्ट नहीं किया मैं, इसको
बैकेट को लगाने की बात जरा अभी टेस्ट करके देखते हैं मतलब ब्रेक कैसा बना। तो गाइस बंदा वैसे जा रहा है ब्रेक को टेस्ट करने के लिए एंड ज्यादातर मुझे लगता है कि बंदा जाके स्टॉपी वगैरह मारेगा। तो गाइस बंदा बोल रहा है कि स्टॉपी मार के ट्राई करेगा और चेक करेगा, तो देखते हैं अभी क्या सीन वगैरह बनते हैं। एंड ब्रेक वैसे ये जो ब्रेक है मैंने और एसएन भाई ने मिलकर टेबल से खोल के लगा दिया वैसे, एंड अभी चेक करते हैं क्योंकि भाई इमरजेंसी था। तो ये देखो ब्रेक वगैरह मैं सब पकड़ रहा है वैसे तो पकड़ रहे हैं भाई, पर आगे की तरह पकड़ नहीं रहे भाई। इधर पे आने के बाद हम लोग जो दिखा दिया आप सभी लोग को ब्रेक वगैरह कैसा है टेस्ट करके भी दिखा दिया। एक्चुअली न्यू ब्रेक इंस्टॉलेशन करवा लिया मैंने डिविल से खोलकर और आप सब लोग को यहाँ पर इन करते हैं और आप सब लोग ने देखा होगा दिक्कत वगैरह तो आ रहे हैं इस साइकिल से क्योंकि ये वाला ब्रेक जो है इसमें अच्छे से फिट नहीं हुआ मेरे को ज़्यादा जितना लगता है क्योंकि एक साइकिल का ब्रेक एक साइकिल में फिट वगैरह नहीं होते। फिर भी क्या करेंगे, काम चलाना पड़ेगा इससे क्योंकि नहीं तो गाइस रेगुलर ब्लॉग नहीं आएगा। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पर इन करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा मोटा ब्लॉग आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फेसबुक कर देना, फॉलो एंड लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।